न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर निजी नर्सिंग होम IMA के पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जारी किया है नया शासनादेश, सभी चिकित्सकों को मिलेगी सुरक्षा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, बाहर से आए श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है जिला प्रशासन। गोरखपुर में नहीं रहेगी बेरोजगारी की समस्या, सभी को उपलब्ध होगा रोजगार। तिवारीपुर पुलिस ने फर्जी ई पास बनाने वाले युवक सहित ई पास पर मीट की दुकान चलाने वाले दुकानदार को किया गिरफ्तार। CO कोतवाली BP सिंह ने कहा, आरोपी के लैपटॉप को कस्टडी में लेकर बाकी फर्जी ई पास धारियों की जा रही है जांच। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने जनता से की अपील। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ साफ सफाई पर दें ध्यान, जिससे कोरोना से पाया जा सके निजात। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड के बच्चों को दिया गया प्रशिक्षण। बृहस्पतिवार से सभी कॉलोनियों और दुकानों पर जाकर पोस्टर चस्पा कर लोगों को करेंगे जागरूक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर बुधवार को 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 4500 श्रमिक पहुंचे गोरखपुर। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग के बाद परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। सकुशल घर वापसी पर श्रमिकों ने कहा, योगी सरकार है सबसे अच्छी सरकार। पति की कुवैत में मौत की सूचना पर उर्मिला देवी ने अपनी पुत्री के साथ मुलाकात कर जिलाधिकारी से लगाई गुहार। कहा, पति की नहीं मिल पा रही है सही स्थिति, करें मदद। DM और SP सिटी ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में लिया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन का पालन करने की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि में महवा मंडी में 550 आढ़तियों, पहरकारों और वाहन चालकों का थर्मल स्कैनिंग कर दी गई एंट्री। मंडी सचिव ने कहा, जारी रहेगी थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया। स्काउट गाइड की टीम ने जिलाधिकारी को सौंपा 1000 मास्क। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस प्रशासन को दिया धन्यवाद। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को फायर सर्विस के द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर को किया गया सैनिटाइज। जिला प्रशासन के निर्देश पर महवा मंडी में फलों का फुटकर और थोक रेट को भी किया गया निर्धारित। फल मंडी निरीक्षक लाल बहादुर ने दी जानकारी। और लॉकडाउन के तीसरे चरण में बुधवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल। SP सिटी ने लोगों से की अपील, अनावश्यक घरों से ना निकलें बाहर, ना डालें अपना और अपने परिवार का जीवन खतरे में। पकड़े जाने पर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई।